सेल्सियस में। और फिर से एक गुजारिश, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए कि बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और आज का जो स्टॉक है जिसके बारे में बात करेंगे, KRBL। KRBL एक छोटा वीडियो हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत दर्शक थोड़ा सा उबकाई लेने लगते हैं। तो चलिए एक बेहतरीन कंपनी के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं फटाफट, और उसके बाद फिर रिटर्न्स और कुछ फंडामेंटल, कुछ नतीजे और अवर ब्रांड्स। तो यहाँ पे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कितनी पुरानी कंपनी। द जर्नी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट फेवर्ड बासमती ब्रांड वॉज एम्बार्क्ड अपॉन बाई टू इंटरप्राइजेस ब्रदर्स, खुशीराम एंड बिहारी लाल, मतलब KRBL, इन्हीं के नाम पे जो है कंपनी है बड़ा जिसका नाम। हु फाउंडेड KRBL, फॉर्मली नोन एज खुशीराम बिहारी लाल, इन 1889, मतलब 1889, लियालपुर नोन एज फैसलाबाद इन पाकिस्तान। तो उस समय जो लियालपुर के नाम से था, इस समय पाकिस्तान में फैसलाबाद कहलाता है। तो वहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी के आर खुशीराम बिहारी लाल साहब। और कितनी पुराने ज़माने के लोग हैं, उनके द्वारा फॉर्म हुई, कई जनरेशन इस व्यापार को आगे बढ़ा रही है, कई पीढ़ी। इनका जो मेन ब्रांड है इंडिया गेट बासमती राइस, इससे आप सभी परिचित होंगे, चाहे एड्स देखते हो या फिर आप खुद इस्तेमाल करते होंगे बासमती राइस। तो इनका जो मेन टॉप सेगमेंट है, जो कह लें कि बासमती राइस का है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। और इस हिसाब से इन्होंने ये यहाँ पे क्या कहा है, व्हेन द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ बासमती, जब दुनिया किसी बासमती राइस के बारे में सोचती, इट थिंक्स ऑफ इंडिया, तो भारत में ही पैदा होता है। एंड इंडिया गेट बासमती राइस वन एवर यू डाइन इन द वर्ल्ड, कहीं भी आप ऑर्डर करेंगे राइस को या बिरयानी वगैरह, वट एवर, इंडिया गेट बासमती राइस विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी क्वालिटी राइस रेसिपी एंड ऑन योर प्लेटर टू रिलिश। दुनिया किसी भी आप कोने में चावल बासमती राइस खाएंगे तो इनका ब्रांड आप ज़रूर वहाँ पे पाएंगे। समझ सकते हैं कि इनका कहना यही है कि हम वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है, जैसे कि UAE, USA, मिडिल ईस्ट में UAE हो गया, और भी कई अदर कंट्रीज़ हैं यूरोप। तो इस तरीके से ये बासमती राइस अपना, और यहाँ पे ये क्या करते हैं कि इंडिया में ये फार्मिंग करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिससे कि एक अच्छा बीज जो सीड होता है बासमती राइस का, उसको किसानों को देते हैं, उनसे खेती करवाते हैं। इनके प्रॉपर जो ट्रेंड सुपरवाइज़र होते हैं वो देखते हैं, चाहे उनको आप जो भी नाम दें, डॉक्टर कह लें, किसी प्रकार से एक्सपर्ट्स कह लें, वो जो है पूरा देख रेख में, और इसको फिर प्रोसेस करते हैं, एक पॉलिश करके फिर ये अपने अलग अलग ब्रांड्स में वर्ल्ड वाइड दुनिया में भेजते हैं। किन किन नामों से, इंडिया गेट, दून, नूर जहां, इंडियन फार्म ब्रांड, बेमिसाल, आरती, यूनिटी, लोटस और ताजमहल, टिल्ला, शुभ मंगल, नेकलेस, लायन, अल विसम, एक मतलब UAE में ये प्रोडक्ट होगा, ट्रेन, अल बुस्तान, टेलीफोन, साउदर्न गर्ल, अल हुसम, ब्लूबर्ड, सिटी पैलेस। तो इतने ब्रांड के नाम से इनका बासमती राइस जो है बिकता है दुनिया भर में, और भारत देश में भी KRBL के नाम से, इंडिया गेट राइस। तो आप समझ गए कि कितनी पुरानी ज़माने से ये कंपनी चली आ रही है और आगे भी ये चलती रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है इनके कई वर्षों के हम आंकड़ों को देखते हुए। आज हम देख लेते हैं कि जो डेट है, आज तो है खैर 9 सितंबर 2019, लेकिन वीडियो माइट बी पब्लिशिंग टुमारो आई थिंक। तो मुझे लगता है कि आज का ही डेटा आपको देखने को मिलेगा। मार्केट बंद हो चुकी है, 5 बज चुके हैं, और 223 रुपये के भाव पे ट्रेड हुआ था ये NSE पे, और जो साल का लो बनाया था 196 रुपये, हाई था 397, यानी हाई से काफ़ी नीचे है अपने और लो के थोड़ा सा ऊपर है। और जिन्होंने एक साल पहले इसमें पैसे लगाए थे उनको 39 यानी 40% के आसपास का लॉस है, और अगेन यहाँ पे 6 मंथ में भी 40% से ज़्यादा का यहाँ पे उनको नुकसान हो रहा है। एक 5,143 करोड़ की जो है एक माइक्रो कैप का, ओ सॉरी स्मॉल कैप है कंपनी है, और फेस वैल्यू 1 रुपये की है। पी रेशियो जिस हिसाब से इनका अर्निंग पर शेयर है और प्राइस है, उस हिसाब से रेशियो निकल के आता है 9.51, और
प्राइस टू बुक वैल्यू 1.93, डिलीवरी है 29% के आसपास, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अब हम कुछ फंडामेंटल भी देख लेते हैं, जिस प्रकार से इनका 2008 से हम जैसे कि फाइनेंशियल ईयर एंड में मार्च 2008-2009 साल दर साल जो हम देख रहे हैं नेट सेल्स, तो यहाँ पे अगर 2008 से पकड़ते हैं तो यहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था जो सेल्स थी, फिर 9 में बढ़कर हुई 1200, 10 में बढ़कर हुई 1500 समथिंग, 11 में 1500 अगेन थोड़ा सा डाउन साइड, फिर मार्च 12 में 1600 ग्रोथ, मार्च 13 में 2000, मार्च 14 में 2000 मतलब 2800, मार्च उस 2015 में हो गई 3145, इस प्रकार से जो है 16 में हो गई 3360 और अगेन 17 में फिर थोड़ी सी डाउन साइड 3100 रह गए, और मार्च 2018 में हो गई 3246, 2019 में 4120 और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी यहाँ पे शानदार आंकड़े दिख रहे हैं 4595 के करीब। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 55 करोड़ जहाँ 2008 में, वहीं 65 फिर हो गई 125, फिर 120 से 73 करोड़ डाउन साइड है काफ़ी, 2012 में इनको काफ़ी झटका था, फिर 2013 में 130 करोड़ की बाउंस बैक किया इसने 255 करोड़, 2014 में नेट प्रॉफिट था फिर 322 करोड़ यानी कंसिस्टेंट, फिर यहाँ पे 2016 में अगेन यहाँ पे थोड़ी सी डाउन साइड, और 2017 में 399 फाइनेंशियल ईयर जो मार्च एंड होता है, और 2018 में 434 करोड़ और 2019 में 503 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ में 539 करोड़ के आसपास इनका दिख रहा, तो एक शानदार नंबर्स रहे। और बाकी रिजर्व्स इनके पास जो है 2703 करोड़ का है, जबकि इनके पर बोरोविंग्स है इनके पास 1428 करोड़ की। तो इस तरीके से अगर हम कुछ और जून 19 में परसेंटेज वाइज अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1.78% की अपसाइड है क्वार्टरली, और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 1.74% की थोड़ी सी डाउन साइड है क्वार्टरली, मगर मार्जिन में इनको मेंटेन कर लिया है इन्होंने 0.22% की जो है बढ़त है। और अगर हम जून 19 के कंपेयर करते हैं साल दर सेल कंसोलिडेटेड तो 63% की जो नेट सेल्स में जंप है, वहीं नेट प्रॉफिट में 36% की जंप है और मार्जिन में यहाँ पे 4.92% की डाउन साइड है। तो मार्जिन बेसिकली यहाँ पे इनका जो मार्जिन में है डाउन साइड है, इस वजह से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है स्टॉक प्राइस पे भी। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं कि इनके पास जो कर्जा है कहीं गिरवी तो नहीं रखा, प्रमोटर्स के पास 58% यानी कि एक शानदार होल्डिंग है, और लेकिन कोई भी एक शेयर इनका गिरवी नहीं, ये एक अच्छी बात है। इसमें जो FIIs भी हैं उनकी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है 6.92% की, म्यूचुअल फंड्स के भी स्कीम्स हैं इसमें, लेकिन मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास है। तो अगर हम रिटर्न देख लेते हैं फटाफट एक निगाह में कि 10 वर्षों में इन्होंने कैसे दिए, तो 1442% की रिटर्न है। जो लोग लंबे समय की लिए इसमें निवेशित थे 10 वर्षों में, उनको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिले हैं। करीब करीब अगर एक अनुमान लगाया जाए कि अगर आपने 1,00,000 रुपये भी निवेश किया होता तो आप 10 साल पहले, तो इस कंपनी ने आपको बना के दिया है 1,542,000 समथिंग। और 5 सालों पहले जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 129% के रिटर्न है, 4 सालों पहले जिन्होंने लगाए थे उनको भी 50% के आसपास के रिटर्न, लेकिन 3 सालों से यहाँ पे लगातार नेगेटिव में रिटर्न्स हैं। 1 मंथ में थोड़ा सा हरे के निशान पे है, जैसे 1 वीक में 5% के रिटर्न है, और 1 डे यानी आज भी यहाँ पे 2.7% की अपसाइड पॉजिटिव में रिटर्न थे। तो ये रही कंपनी के कुछ बेसिक चीज़ें, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंपनी में क्या करना चाहिए। देखिए इनका जो ब्रांड है काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, और कंपनी बहुत पुरानी, इसका मतलब कि खानदानी लोग चला रहे हैं इसको, और जो प्रमोटर्स हैं उनकी अगली पीढ़ियां जो चला रही हैं इसको, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो इनका मैनेजमेंट है, वो बहुत सुलझा हुआ है, और इनके जिस प्रकार के प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जाते हैं, तो खाने पीने के जो बासमती है इनकी एक्सपर्टीज़ है, और इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि ये खाने पीने का सामान इनका ऐसे ही बिकता रहेगा आने वाले समय में भी। हाँ डिपेंड होता है कि कभी सेल्स में गिरावट भी आ सकती, हो सकता है कि किसी देश में प्रभावित हो, जैसे ट्रेड वॉर कभी कभी कुछ कंट्रीज़ को लेके एक दूसरे पे जो है कुछ ज़्यादा ही टैक्सेस वगैरह बढ़ा देते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते, तो उससे थोड़ा सा इनको नुकसान हो सकता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा पर्टिकुलर कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे इनका मेन व्यवसाय है वहाँ पे इनको नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आगे आने वाले जो इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स भी होंगे उसमें भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी तक तो इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे, इतना ज़्यादा कुछ इसमें इनको, और देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर पे लोगों ने कहा मनी कंट्रोल की साइट पे कि 100% बाई इट,
तो इसका मतलब अभी काफ़ी करेक्ट हो चुका है प्राइस, लेकिन इस पे यहाँ पे ख़रीदने या बेचने की जो लोग बने हुए वो तो बेचे ही नहीं, क्योंकि कंपनी एक शानदार है, लॉस में बेच कर कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो नई बाइंग करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से, यहाँ पे मैं कोई अनुमोदन नहीं करूँगा कि आप स्टॉक्स लीजिए। लेकिन एक अगर आपको लगता है कंपनी अच्छी है, भविष्य में काम करती रहेगी और आपको मुनाफा मिल सकता है जैसे कि पिछले 10 सालों में दिया। अच्छा दोस्तों, को होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे पिछले 2-10 सालों के रिटर्न बताता हूँ, एक शानदार कंपनी के शानदार रिटर्न्स, तो लोग क्या कहते हैं कि सर अब आगे आने वाली कौन सी कंपनी होगी वो मुझे बताइए। तो मैं दोस्तों यहीं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमने पिछला जो होता क्या है कि कोई कंपनी के बारे में बताते हैं तो हम रिटर्न भी ये जानने की कोशिश करते हैं कंपनी का कैसा रिटर्न, किस कैसा दिया रिटर्न। तो जो कंपनी हमें आने वाले समय में, मुझे लगता है कि पिछले भी 10 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, तो आने वाले समय में भी और अच्छा परफॉर्म करेगी या कर सकती है, जिस प्रकार से उनकी ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ हो, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ हो, चाहे उनका प्रॉफिट ग्रोथ हो। तो ग्रोथ ओरिएंटेड जो कंपनी होती हैं उनमें थोड़ा सा आशान्वित होना चाहिए। पक्का तो किसी को नहीं पता रहता भैया, नहीं तो क्या कहें अभी आपको। लेकिन हाँ, हम कुछ ऐसी कंपनियों को चूज़ कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो बस यही कहना था मुझसे, अपने आप समझदारी से चाहें तो कुछ स्टॉक्स जिनके पास नहीं है वो अगर इन किसी किसी कंपनी पसंद आती है तो थोड़े थोड़े बाइंग की जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो भी नहीं बड़ा बनाना चाहिए। अगर है ऑलरेडी आपके पास तो ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, कोई सुझाव तो ज़रूर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा।